आप सभी का स्वागत करते हैं मेरे किचन में। आज हम बनाते हैं बहुत ही सिंपल सी रेसिपी, लेकिन ये ठंड के टाइम के लिए बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। तो यहाँ पे हमने गोभी ली है। मैंने पहले वीडियो में आपको बता चुकी हूँ, जो गोभी है उसे हम हल्का सा पानी में बॉईल कर लिया नमक के साथ में, उसके बाद इसे छान कर बिल्कुल ठंडा कर लिया। तो अब इसे बताते किस तरह से हमें बनानी है। यहाँ पर हम फूड प्रोसेसर लेंगे, जिसमें हम डाल देंगे ये गोभी को। अगर आपके पास फूड प्रोसेसर नहीं है तो आप इसे बहुत बारीक चॉप कर सकते हैं। इसको पकाते हैं। ये बिल्कुल बारीक चॉप्ड हो गई, आप चाहे जितना बारीक भी इसे रख सकते हैं। साथ में ये धनिया डाल दें फ्रेश, और ये बॉईल किए हुए आलू को इस तरह से छील कर डाल दें। तो यहाँ पे हम एक आलू डाल रहे हैं क्योंकि इसकी बाइंडिंग अच्छी हो जाएगी, इसलिए मैं यहाँ पे आलू का यूज़ करा। अगर आप नहीं करना चाहते तो इसकी जगह पे चावल का आटा भी आप डाल सकते हैं, उससे भी बाइंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी और खाने में कुरकुरी भी लगेंगी। ये देखिए हमने एक आलू बड़ी डाली थी, तीखा आप अपने हिसाब से इसमें रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम तीखा खाते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे 6 कच्ची हरी मिर्च डाल दी है। अगर आप इस रेसिपी को बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप इसमें तीखा आप अपने हिसाब से डालें। और इसको दोबारा से हम चला देंगे। साथ में डाल देंगे थोड़ा सा सूजी, यानी 2 बड़े चम्मच सूजी डाल देंगे यहाँ पे। चाहे तो आप चावल का आटा भी इसमें डाल सकते हैं। यहाँ पे साथ में डाल देंगे जीरा पाउडर, इसी चम्मच से हम डाल रहे हैं हल्दी, 1/4 छोटा चम्मच से थोड़ा ज़्यादा हींग। अब इसका ढक्कन हम खोल देंगे। यहाँ पे आप घी या कुकिंग ऑयल कोई सा भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे सरसों का तेल डाल रही हूँ। साथ में डाल देंगे यहाँ पे 1.5 कप आटा। नमक टेस्ट अकॉर्डिंग, इसको फिर दोबारा से कवर कर ले। अब हम इसे इस तरह से इसमें अलग अलग करके इसे मिला देंगे, क्योंकि अभी आटा इसके साथ मिला नहीं है। तो इस तरह से आप साइडों को बीच में कर दें। इसे कवर करके थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे, जैसे हमने यहाँ पे भी 1/4 कप पानी डाला है, और इसे दोबारा से चालू कर देंगे। अब इसी स्टेज पे हम इसे निकाल देंगे। ये देखिए अब इसमें हम इसको परात में से ट्रांसफर कर लेंगे। तो इसमें हमने पानी बिल्कुल भी ज्यादा नहीं डाला है, क्योंकि अगर ज्यादा डाल देंगे तो ये गीला हो जाएगा। तो इसलिए आप अपने हिसाब से पानी थोड़ा थोड़ा डालें, चाहे तो बाद में आप डाल लें, लेकिन शुरू में पानी बहुत थोड़ा थोड़ा करके डालें। अब इस तरह से इसको अच्छे तरीके से मिला देना है। तो ये बहुत अच्छा सा डो बनकर तैयार हो जाएगा। तो इस रेसिपी में आप प्याज का भी यूज कर सकते हैं। हमने यहाँ पे बहुत ही बारीक प्याज काट के रखी है, तो आप उसी समय डाल सकते हैं। मैं अभी अब डाल रही हूँ, उस समय मैं भूल गई थी, तो मैं थोड़ा सा इसमें बारीक कटा हुआ प्याज भी डाल रही हूँ। साथ में इसमें डाल दें थोड़ा सा चाट मसाला, इससे बहुत ही चटपटा सा बनकर तैयार होगा। तो इस तरह से हम 1.5 चम्मच
ये छोटी वाली बिल्कुल टी स्पून है, उसी से मैं डाल रही हूँ। और साथ में थोड़ा सा कसूरी मेथी। तो ये जो कसूरी मेथी है पहले से रोस्ट किया हुआ है, और इन सबको अच्छे से अब मिला दें। तो यहाँ पे जो मेरा गोभी था वो 500 ग्राम गोभी थी, और उसे अच्छे से मैंने बॉईल किया, बस एक क्विक अच्छा सा बॉईल, ताकि इसमें जो भी हो गंदगी या कीड़े वो आराम से हट जाए। और यहाँ पे हमने आटा 1.5 कप से थोड़ा सा ज़्यादा लिया है, तो आप अपने फैमिली के अकॉर्डिंग जितने मेंबर हैं उस हिसाब से इसे बना सकते हैं। तो गोभी का भी क्वांटिटी आप उसी हिसाब से रख सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आटा थोड़ा सा ज़्यादा गीला हो चुका है या फिर ज़्यादा सॉफ्ट है, तो आप इसमें थोड़ा सा आटा मिला सकते हैं, लेकिन मेरा यहाँ पे आटा जैसा मैं बनाती हूँ बिल्कुल परफेक्ट गूंदकर तैयार हुआ है। तो ये देखिए, आप अपने हिसाब से कोई भी शेप में बना लें, स्क्वायर में, गोल में, या फिर रेक्टेंगल, जैसे भी आपकी इच्छा करें उस हिसाब से आप बनाकर तैयार कर लें। तो ये जो पराठे बनकर बहुत ही टेस्टी तैयार होती है, बहुत ही खाने में अच्छी लगती है, और ठंड के टाइम में तो वैसे भी पराठे बहुत पसंद आते हैं सबको। तो ये देखिए हमने इस तरह से बनाए हैं, तो आपको जिस हिसाब से जिस शेप में अच्छा लगे आप उस हिसाब से बना लें। यहाँ पे मैंने आयरन की कढ़ाई तवा लिया है, आप चाहे तो नॉनस्टिक तवा में भी बना सकते हैं। तो मैंने इसमें पहले थोड़ा सा तेल लगा दिया है, अब हम इस पर डाल देंगे क्योंकि ये गर्म है तवा, और इसे खूब अच्छे से बिल्कुल डार्क इसे सेकना है, ताकि एकदम से कुरकुरा लगे खाने में, हमें इतना सेकना है। तो मैं आपको दिखाती जाऊंगी किस तरह से हमें सेक लेनी है। अब इसे दूसरी तरफ अच्छे से पलट दें, और यहाँ पे गैस का तेज, जो गैस का फ्लेम है बिल्कुल हाई रखें, क्योंकि इसमें जो गोभी है वो अच्छे से सीझा हुआ है। गैस का फ्लेम तेज रखने से जो ये सिकेगा बहुत ही अच्छे से, और गोल्डन और कुरकुरे से सिकेंगे। तो इसे चारों तरफ अच्छे से पलटते रहें। अब ये देखें दोनों तरफ अच्छे से सिक चुका है। तो अब यहाँ पे हम डालेंगे थोड़ा सा तेल, आप चाहे तो इसे घी में बना सकते हैं, बटर में बना सकते हैं, या तो फिर कोई सा भी ऑयल में बना सकते हैं, और इस तरह से दबाते हुए इसे अच्छे से सेक लें। ये देखें, तो जब तवा अच्छे से गर्म होता है और गैस का फ्लेम अच्छे से मीडियम या हाई पे होती है, तो पराठे बहुत अच्छे से सिक कर तैयार होती है, और अंदर से कुरकुरी भी बनती है, और ऊपर का लेयर देखने में भी बहुत अच्छी लगती है। तो ठंड के मौसम की जो पराठे हैं, कोई सा भी आलू के बनाए, मटर के, या फिर गोभी का, बहुत तरह का पर आप बना सकते हैं पराठे। तो सभी पराठे ठंड के टाइम में ज़्यादा अच्छी लगती हैं खाने में। तो ये देखिए बिल्कुल खूब अच्छे से ये सिक चुकी हैं। आप इसे हरी चटनी के साथ या लाल सॉस के साथ खा सकते हैं, या फिर कोई भी सब्जी के साथ खा सकते हैं, जैसे आलू की सब्जी अच्छी लगती है इस पराठे के साथ, या फिर धनिया की चटनी। तो ये देखें बहुत अच्छे से ये बनकर तैयार हो चुका है। तो ये देखें दोस्तों, ये पराठे बनकर बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। ये जो धनिया और आलू की चटनी है वो बहुत ही टेस्टी लगती है, मैंने इस चटनी का लिंक अभी नहीं दिया है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी इसका लिंक। तो ये देखिए, इसको आपको हम तोड़ के भी दिखाते हैं। ये देखिए कितना सॉफ्ट, बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुई है। तो इस रेसिपी में मैंने लहसुन का यूज नहीं किया, अगर आप लहसुन खाते हैं तो आप इसे इसमें डाल सकते हैं, और अदरक मैंने इसमें स्किप हो गया, इसमें अदरक कूट कर डाल सकते हैं, या बारीक बारीक पेस्ट डाल दें, या फिर घिसा हुआ डाल दें, कोई सा भी अदरक इसमें डाल सकते हैं। तो ये रेसिपी बनकर बिल्कुल तैयार है। इस रेसिपी को बनाकर खाएं और अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। इस रेसिपी के बारे में जो भी पूछना हो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगी। तो आप मेरी तरीके से एक बार ज़रूर बनाकर खा के देखें। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। Take care. Bye bye.
ये देखिए कितना सॉफ्ट, बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुई है।